फिर पापा उधर से आ रहे हैं और इधर से मैं खा रही हूँ कोरियन के फैन हूँ क्या हो जापानीज जापानीज बोलते रहते हो फिर पापा बोलते हैं सब तो एक गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई होप आप जहाँ भी है मजे कर रहे हैं खुश हैं एंजॉय कर रहे हैं हैव अ गुड संडे विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स and so welcome back this video is going to be a vlog and a day with me bahut din ho gaya tha with me vlog nahi dala tha because mostly I was focusing on traveling lekin maine dekha you guys are loving the day when I am there not traveling but talking to you people एंड तो वैसे तो मैं घर में क्या करती हूँ वही दिखाने वाली हूँ आप लोगों को एंड आई होप यू गाइज विल एन्जॉय एंड जस्ट कीप वॉचिंग तो अभी अभी तो मैं उठ गई हूँ एंड मेपल का एक पार्सल भी आया था लेट मी शो इट टू यू गाइज आया है एक खेल दिस इज ऑल्सो फॉर सो ये देखो वो ऑलरेडी आ गया इसको देखने के लिए तो जैसे कि आपने देखा मेपल का पार्सल आया था एक फिश आया था मतलब हमारे घर में लिटरली ज़्यादातर अभी सुबह सुबह मेपल का ही पार्सल आता है हम लोग तो कुछ है ही नहीं भाई हम लोगों का कुछ है ही नहीं पार्सल आता ही नहीं है मोस्टली मेपल का ही पार्सल आता है झुमझुम वाले खिलौने या फिर कोई फिश वाला खिलौना उसका इतना सारा खिलौना हो गया अभी अभी तो भाई वो हमारा घर का चिराग है चिराग मैं तो अभी उठ गई हूँ एंड मैं अभी ब्रेकफास्ट करूँगी तो मेरा अभी क्लास था लेकिन वो क्लास कैंसिल हो गया अभी तो बेसिकली हमारा क्या है ना मुझे मैं एमबीए भी कर रही हूँ साइड बाय साइड तो मेरा 300 मार्क्स का एक प्रोजेक्ट है जो मुझे करना है मैंने स्टार्ट नहीं किया एक सर्वे था वो सर्वे तो मैंने ख़त्म कर दिया है लेकिन मुझे वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है सो आई हैव टू वर्क ऑन इट व्लॉग करती हूँ कैसे इसे मैनेज करूँगी मुझे वो भी देखना है यस लाइफ इज अ स्ट्रगल देखो भाई मेरा संडे कैसे गुजर रहा है और आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ इसका संडे बहुत मस्त है कुछ भी नहीं होता है सबका संडे सेम नहीं होता है मैं अभी लिटरली अभी काम करूंगी थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करूंगी अपने घर वालों के साथ मम्मी के साथ स्पेशली एंड थोड़ा स्किन केयर अगर टाइम होगा तो पहले पानी पियेंगे पानी पीने के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे पहले हम पानी पियेंगे तो मैं अभी किचन में हूँ पहले पानी पीते हैं और हाँ अपनी ग्लास की पानी खुद लेकर आना मम्मी को मत बोल देना और एक बात आपको बताती हूँ मुझे ना सीरीज देखने का बहुत शौक है लाइक मैं सीरीज देखने के लिए अरे यार मम्मी का कॉल एक सेकंड मेरी बहन कॉल करती है हमेशा ऐसे ही दो मिनट में मम्मी क्या कर रही हो मम्मी क्या है रुको पहले उसके फोन बंद करती हूँ फिर बात करती हूँ सीरीज देखने का बहुत शौक है मैं ऐसे अगर घर पर हूँ तो मैं सीरीज देखती हूँ मोस्टली मैं नेटफ्लिक्स में देखती हूँ तो नेटफ्लिक्स में एक अच्छा वाला सीरीज आया है जो आई विल सजेस्ट अच्छा वाला क्या मतलब ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड ट्रू इवेंट पे बेस्ड है तो मैं आपको दिखाती हूँ वो वाला सीरीज जो मैं अभी रिसेंटली देख रही हूँ मतलब ऑब्वियसली पुराना हो गया लोग बहुत लोगों ने देख लिया है बट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यू कैन वॉच मैं ऐसे सीरीज या फिर मोस्टली मैं नेटफ्लिक्स पे देखती रहती हूँ जो भी कुछ अच्छा लगता है यार अगर बात करूँगी तो पानी नहीं पी पाऊंगी लेट मी जस्ट ड्रिंक पहले ये मैं खाती हूँ उसके बाद ब्रेकफास्ट खाती हूँ मे बी हाय बोल दो हाय मे बी से हाय हाय हेलो ब्यूटिफुल पीपल तो मैंने उसे पकड़ा था ना तो वो उसको गुस्सा आ गया देखो कैसे हो रहा है तुम्हें गुस्सा भी आता है मे बी नींद आ रहा है हैंड चेक हाई फाइव अकेले आई डॉल के मेपल इज दिस योर फेवरेट टॉय नाउ खेलो जल्दी जल्दी से खेलो तो द रेलवे मैन मैं इसी की बात कर रही थी मैं तो अभी फोर्थ एपिसोड में ही हूँ द
तो बेसिकली ये सीरीज एक ट्रू बेस्ड इवेंट पे ही है. आपको तो पता होगा जो भोपाल में गैस लीक हुआ था एंड वो अराउंड 1984 में हुआ था एंड इट वॉज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर. टॉक्सिक हो गया था वहाँ का एयर कि थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स हो गया. मैं लंच के लिए बना रहे हो क्या? क्या हो रहा है? मिंडी बना लो. तो मैं जल्दी से लंच खाती हूँ, फिर लंच खाने के बाद आई विल टॉक टू यू गाइस. बहुत कुछ बातें करते हैं एंड मैं दिखाती हूँ और क्या क्या मैं करती हूँ दिन भर. मैं नहा के आ चुकी हूँ. मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि नहा के आने वाली दिखती है क्या ना. अभी जैसे कि ड्राई सीजन चल रहा है, मेरी स्किन देखो पूरा ड्राई हो रहा है, तो अभी मॉइस्चराइजर वगैरह थोड़े कर लूंगी. मैंने सनस्क्रीन भी लगा लिया है एंड मैं खा के मिलती हूँ आप लोगों से. हमारा लंच अभी तैयार हो रहा है. बेसिकली अभी तो विंटर डेज शुरू हो गया है, तो दैट्स वाई रोटी, बिकॉज हम मोस्टली रोटी खाते हैं विंटर्स में. इट फील्स गुड एक्चुअली. तो अभी मम्मी करी ला रहे हैं. हो गया करी? दे दो मुझे. एंड अभी हम चलते हैं डाइनिंग टेबल. तो अभी हम लंच खाएंगे. आई लिटरली लव द सीरीज. मैं बहुत इमोशनल हो गई. आई मीन मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं ये क्यों नहीं देखा था. मतलब इतने दिन हो गए मैंने क्यों नहीं देखा था. बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सीरीज़. आई मीन दिस इज़ वॉट एवरी वन शुड वॉच. मतलब हिस्ट्री जानना चाहिए सबको, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द डिज़ास्टर दैट हैपेंड. एंड जो रेलवे मैन ने किया था, मतलब हैट्स ऑफ. नाउ अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़े काम कर लेती हूँ. आई मीन एक दो काम है. कल मंडे है, मंडे फिर से ऑफिस शुरू हो जाएगा, मुझे टाइम नहीं मिलेगा. तो मैं ना सोच रही थी कि अपनी डोर को पेंटिंग करती हूँ. मतलब मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है. तो जैसे कि जो लोग मुझे जानते हैं दे नो दैट मुझे क्राफ्ट का कितना शौक है. मुझे एक आर्ट ये सब बहुत पसंद है. मतलब बचपन में मैं खाली आर्ट अटैक देख के ये सब इधर उधर कुछ करती रहती थी. मेरे जब मैं जब अपनी ट्वेल्थ में थी, तो ट्वेल्थ में मैं खुद ड्रीम कैचर्स बना के सेल करके अपने लिए खुद फ़ोन लिया था मैंने. आई मीन आई डोंट नो कितने लोग ऐसे मेरी तरह होंगे, बट मैंने अपनी मतलब जो फर्स्ट हैंड वाली फ़ोन होती है ना, मतलब घर पे तो ऐसे होता है कि हाँ मम्मी ने नया फ़ोन लिया तो मेरी बहन ले लेगी, फिर बहन की फ़ोन मैं. तो अभी अब मम्मी की पुराने फ़ोन या फिर मेरी बहन की तो नहीं, लेकिन मम्मी के पुराने फ़ोन मैं यूज़ करती थी. बट जब मैंने अपनी पहली फ़ोन लिया, ख़त्म होने के पहले की बात बोल रही हूँ, तो तब एम आई का टू कैमरा, जो डुअल कैमरा नहीं होता, तो MI का पहले लॉन्च किया था. मैं देख के पूरा ऐसे खुश हो गई, क्या यार डुअल कैमरा कैसा होगा, ब्लर हो जाएगा. पहली बात तो कि ब्लर हो जाएगा फोटो, ठीक है. तो मैंने सोचा कि भाई अभी ये डुअल कैमरा वाला फ़ोन मुझे चाहिए. वो इंग्लिश न्यूज़पेपर आता था, तो वो इंग्लिश न्यूज़पेपर में वो निकला था एडवर्टाइज, ने उसको ऐसे काटा. फिर अपने वो जो बैंक नहीं होते हैं जिसमें आप पैसे रखते हैं गुल, तो मैंने उसको काटा, फेविकॉल लगाया, फिर उसके ऊपर चिपका दिया. फिर मैंने खुद को बोला कि मुझे यही लेना है. 15,000 ऐसा कुछ था. तो फिर मैंने सोचा कि कैसे लूँ, क्या करूँ, कैसे सेव करूँ इतना. 15,000 भाई मेरे पास तब तो कुछ ऐसे 2,000-3,000 ही थे. मतलब वो भी खाली खाना ना खा के बचा बचा के. मतलब मेरे को पानी पूरी का बहुत शौक है और धीरे धीरे बोलती हूँ, वरना मम्मी पापा आके चांटा मारेंगे मुझे, बोलेंगे निकल इधर से. क्योंकि मैं वो इतनी खाती थी तब भी इतनी मोटी हो गई हूँ. तो दिस इज़ द बिहाइंड स्टोरी. और उसका एक स्टोरी भी है. जब बचपन में थी ना, तो ऐसे मैं पानी पूरी खा रही थी. एक फ्रेंड है मेरी घर के नीचे रहती थी, के साथ एवरी इवनिंग होता है 10 रुपये पकड़ती हूँ या फिर 20 रुपये पकड़ती हूँ. शायद 10 मिलते थे और सूखा भैया और एक सूखा एक्स्ट्रा तो हम मांग ही लेते हैं. क्या हुआ था ना, तब मैंने भैया को बोला भैया एक सूखा दे दो. तो ऐसे मैं खा रही थी, फिर पापा उधर से आ रहे हैं और इधर से मैं खा रही हूँ. फिर पापा देख रहे हैं मुझे, मैं देख रही हूँ, फिर ऐसे मुँह में ऐसे करके खा रही हूँ पानी पूरी. पापा देख रहे हैं, अरे रिया. फिर मैं ऐसे अंकल को देख रही हूँ, पापा बोल रहे हैं ठीक है खा के आ जाओ. फिर मुझे पता चल ही गया कि क्या होने वाला है घर में जाके. फिर धुलाई, वो मुझे नहीं याद करना है.
यार मैं कैसी हूँ मैं मतलब इस टॉपिक से उस टॉपिक कितनी जल्दी जंप करती हूँ भगवान। देन मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, तो मेरा 12th का एग्जाम चल रहा था उस टाइम, कुछ एग्जाम भी खत्म हो गया। एग्जाम खत्म होने के बाद मैं ना ड्रीम कैचर्स की बहुत बड़ी फैन थी, ठीक है। फैन कैसे बनी, वो भी कोरियन सीरीज देख देख के, ठीक है। तो मुझे कोरियन सीरीज बहुत पसंद था, मैं रट्टा मारा था ऐसा उसके, मतलब पढ़ाई जितनी याद नहीं था मुझे, सीरीज उतना याद था कि भाई इसके बाद क्या सीन होने वाला है। तो मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि क्या ये जापानीज देखते रहते हो हमेशा, अभी भी देखने लग गई, पापा बोल रहे हैं ये क्या जापानीज देखते रहते हो, कोरियन के फैन क्या हो जापानीज बोलते रहते हो। फिर पापा बोलते हैं सब तो एक का रिश्ते थे, सब तो एक ही तरह दिख रहे हैं। तो मैं इतनी बड़ी फैन हो गई थी ड्रीम कैचर्स के, देन आई स्टार्टेड मेकिंग एंड देन सडनली यू कैन नॉट इमेजिन, एक फ्रेंड थी शी टोल्ड मी यार तू इतना अच्छा बनाती है व्हाई डोंट यू सेल। मैंने बोला कि भाई तू ही ले ले, एंड शी वाज लाइक कि ठीक है मैं ले लेती हूँ। एंड मैंने उसे दिया था 50 रुपीज में, एंड देन मतलब 50 रुपीज से लेके मैं एक इतना बड़ा बड़ा ड्रीम कैचर्स बनाती थी। एक को मैं 2000 में भी सेल की थी अपनी ही दोस्त को, और बहुत सारे दोस्त हमारी कजिन्स, मैंने अपने अंकल आंटी को भी बेचा था, मतलब हमारे कार में हमारे नेबर्स को, मतलब कहीं पर भी नहीं छोड़ा था भाई, मतलब ऐसे क्लिक किया था मेरा बिजनेस। और एक ही महीने में मैंने बहुत अच्छी, मतलब लिटरली मैंने एक ही महीने में पूरा सेविंग्स कर लिया, पूरा पैसा जोड़ लिया था फ़ोन के लिए। रिजल्ट आ गया, पापा बहुत खुश थे, अच्छा खासा रिजल्ट आया था, गवर्नमेंट के तरफ से मेरे को लैपटॉप भी मिला था, तो नपिन बाबू Note 5 Pro, एंड वो अभी भी मेरे पास है। उसके प्राउड वाली बात ये था कि जब पापा उनकी मीटिंग जा रहे थे, उस मीटिंग में जाके हमेशा ऐसे बोलते थे कि आई एम रियली प्राउड ऑफ माई डॉटर, उसने अपने खुद के पैसे से फ़ोन खरीदा है। आई मीन मैं क्या बोलूँ, सो दिस यूज टू बी माई थिंग, आई लव क्राफ्ट, आई लव डूइंग आर्ट्स, तो ऐसा कुछ सीन है मुझे। मैं इतनी अच्छी तो नहीं करती, लेकिन मैं जितना भी करती हूँ मैं खुश होती हूँ, एंड फॉर मी दैट मैटर्स अ लॉट। तुम जो भी कर रहे हो खुद पहले खुश रहो, ऐसा नहीं कि हाँ मैं ये कर रही हूँ क्योंकि उनके खुशी के लिए या फिर इसके खुशी के लिए, नो, तुम जो भी कर रहे हो पहले खुद खुश रहो फिर दूसरों को खुश दो। तो दैट्स व्हाट आई फील, मैं जो कर रही थी खुद खुश थी एंड मैं खुद खुश हूँ। बेसिकली ये हमारा किचन है जो कि मैं अच्छे से दिखाने वाली हूँ, तो ये मैंने एक पिज्जा ड्राइंग किया है, शायद ये दिख नहीं रहा बट ये पिज्जा है। मैं ये वाली एक्रेलिक कलर्स यूज करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। तो बेस अभी कलर चल रहा है तो मैं पहले इसको कलर करके खत्म कर देती हूँ। टूट गया है मेपल, व्हाट इज दिस बिहेवियर, देखो वो कैसे नींद है काम कर रहा है। तो फिर ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन, उसको हाथ बटाना है मे बी, ये मुझे दे दे ठाकुर, ये मुझे दे दो मे बी। तो ये है पिज्जा स्लाइस, बहुत ही बेसिक से बनाया है, मतलब मुझे बेसिक पसंद है, आउटलाइन तो कर सकते हैं नॉर्मली लेकिन मैंने पूरा बेसिक से बनाया। तो अभी हम नीचे आए हैं वॉकिंग के लिए, मेरी मम्मी भी साथ आई है, पता नहीं बैक कैमरा है तुम आ भी रही हो कि नहीं, आ रही हो। तो मम्मी ने बोला पहला वाला वो वीडियो उड़ा दो क्योंकि मैं अच्छे से नहीं आ रही हूँ, मैं तो डिलीट नहीं करने वाली, अभी तो मुझे रॉ कंटेंट चाहिए, मैं तो डिलीट नहीं कर सकती, 100 रुपया दो फिर डिलीट करते हैं, क्या बोल रहे हो गाइस। हम अभी बेसिकली वॉकिंग कर रहे हैं, चलो गाइस हो गया घर जाते हैं, मैं थक गई ऑलरेडी बहुत, इतनी विंटर वाली फील हो गई है हमारे यहाँ पे ना, बहुत विंटर वाली फील आती है, और मेरे को विंटर्स में सिर्फ ट्वाइलाइट का याद आता है, ट्वाइलाइट मूवी में देखा है ऐसे जंगल जंगल होगा फिर ऐसे फॉग। एक मिनट, मेरी मम्मी कुछ लेकर आई है, अभी जाते हैं देखने के लिए। क्या है, नीम का पत्ता है ये सब लेकर आती है, और ये मम्मी वाली चीज़ होती है, मैनी ग्लास होती है सबका। मैं आती हूँ अभी, मैं अच्छे अच्छे सैंडविच खाने वाली हूँ, मम्मी ने बनाया, तो आई विल सी यू। So that's it in today's vlog. Thank you for watching till here. अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो,
Also, if you are new to my channel, please subscribe to my channel. Thank you for watching. Lots of love. Jai Jagannath.